हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो मैं अनीता अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है गुलदाउदी। देखिए कितना खूबसूरत ये गुलदाउदी का फ्लावर है और बहुत ही बड़े बड़े साइज में है। देखिए तो दोस्तों, ये मैंने पिछले साल की कटिंग लगाई थी, लेकिन ये कटिंग वाइट कलर की थी, पता नहीं कैसे येल्लो कलर की हो गई और साइज भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके साइज एकदम बिल्कुल गुलदाउदी जैसे, डहलिया जैसे लग रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े से साइज हैं। तो अब तो इसका लास्ट सीजन जा रहा है, बहुत सारे इसके कलर हैं देखिए, और बहुत सारे वैरायटी के हैं मेरे पास ये गुलदाउदी। और देखिए ये कितना खूबसूरत है, बेबी पिंक कलर का, और इसका जो शेप है देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम बल्ब जैसे। और इधर रानी कलर, और इधर भी बेबी पिंक है, देखिए इधर वाइट, और इधर बेबी कलर, बेबी कलर के दूसरे गुलदाउदी है। तो सभी मेरे जितने भी मेरे गुलदाउदी हैं वो सब अलग अलग वैरायटी के हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये फ्लावर जब सीजन में खिलता है। तो दोस्तों इसकी केयर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विंटर सीजन का ये फ्लावर है और विंटर सीजन में ये कटिंग से भी लग जाता है। और इसकी कटिंग लगाने के लिए इसे अक्टूबर, जुलाई से पहले, जुलाई के बाद दोस्तों आप कभी भी लगा सकते हैं, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इस लास्टली आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग से। और ये बीज से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। जब आप पिछले साल की कटें प्लांट्स रखते हैं इसके मदर प्लांट, तो उसकी कटिंग से आप जुलाई के बाद कभी भी लगा लीजिए तो ये बहुत ईजिली लग जाता है। देखिए ये मैंने सब कटिंग से लगाया है, और ये मैंने नर्सरी से ला के लगाया है, ये भी कटिंग से लगाया है, इधर भी कटिंग से लगाए हैं। तो मेरे सारे प्लांट बहुत छोटे छोटे से हैं दोस्तों, और छोटे छोटे प्लांट्स में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुए हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुआ है। तो ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है, और मैं हमेशा कटिंग से ही लगाती हूँ, और थोड़े बहुत प्लांट्स मैं लेके आती हूँ नर्सरी से, वो लगा देती हूँ। दोस्तों इसकी मिट्टी की बात करें तो देखिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और बिल्कुल सूखी मिट्टी, जब मिट्टी सूख जाती है तभी हम पानी डालते हैं। देखिए ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, अभी तो इसमें मिट्टी सूखी हुई है, देखिए यहाँ सूखी हुई है, फिर भी मैं अभी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि नीचे गीला है। देखिए नीचे गीला है, तो अभी एक दो दिन बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। और इसकी मिट्टी दोस्तों 1/3 इसमें मैं मिट्टी डालती हूँ, जैसे गार्डन सोयल हो गया, और इसमें कंपोस्ट अगर हम डालते हैं तो कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, जैसे गोबर की खाद हुआ या जैविक खाद हुआ, या फिर कोई अगर हम ऑर्गेनिक खाद हो गया, जैसे हम घर में किचन वेस्ट से बनाते हैं ऑर्गेनिक खाद, वो भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जैसे एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग सैंड या कोकोपीट डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोकोपीट का ही यूज करती हूँ दोस्तों, तो सैंड के बदले मैं कोकोपीट यूज कर लेती हूँ, और नीम खली, बॉर्न मिल, ये सब मिक्स करके मैं विंटर सीजन की जितनी भी मिट्टी है मैं सब विंटर सीजन की मिट्टी ऐसे ही तैयार करती हूँ। और इसे हर 10-15 दिन में कोई आप ऑर्गेनिक खाद हो गया या कोई फर्टिलाइज़र हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया या ऑर्गेनिक जैविक खाद हो गया, तो आप हर 15-20 दिन पर इसे डालते रहिए, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेते रहता है, और ये फरवरी तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेगा। उसके बाद से इसके फ्लावर थोड़े मुरझाने से लगते हैं, तो जब मुरझा से लगते हैं तो जैसे ये देखिए, ये जब मुरझाने लग रहे हैं फूल, तो इसको यहाँ से हम कट करके जैसे ये हटा देंगे, तो ये और सारे फ्लावर ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह जितने भी फ्लावर ख़राब हो रहे हैं, जैसे ये भी ख़राब हो रहा है, तो इसको भी हम कट करके हटा देंगे, तो और सारे इसमें से निकलने लगेंगे, और थोड़े बहुत फ्लावरिंग फरवरी मार्च तक, लेटेस्ट फरवरी मार्च तक इसमें फ्लावरिंग शुरू होते रहता है और देखिए इधर ये बेबी, ये जो फ्लावर है ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसके जो शेप है एकदम बिल्कुल गेंदे के फूल जैसा लग रहा है, देखिए दोस्तों। और ये देखिए इसके जो प्लांट हम सेव करेंगे, जब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगा, इसके फ्लावर ख़त्म होने लगेंगे फरवरी के बाद, तो इसमें से हम जितने भी हैं ये कट करके हटा देंगे, और ये मदर प्लांट इसका रख लेते हैं अलग से हम, या कहीं और लगा देंगे, तो ये अच्छे से सालों भर चल जाता है, और फिर अगले साल हम जुलाई के बाद इसमें हम इसको कटिंग करके आप लगा सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे कई सारे प्लांट बन जाते हैं गुलदाउदी के।
तो इस तरह आप जितने भी कलर हैं, देखिए जितने भी कलर हैं सभी की मैं रख देती हूँ, और अगले साल मैं जुलाई के बाद इसमें ऐड कर देती हूँ कटिंग लगा कर। और बहुत ही ईजी टू ग्रो हो जाता है ये कटिंग, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और जब ये जब हम ग्रो करेंगे तो इसको पिंचिंग करते रहना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमारा फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, क्योंकि पिंचिंग नहीं करेंगे तो छोटा रहेगा। क्योंकि मेरे देखिए ये मैंने पहले ही लगाया है, और ये सभी मैंने लाए हैं नर्सरी से, तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मैं लेट से लाई, तो देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हुआ है, लेकिन मैं पिंचिंग नहीं कर पाई। और इसमें देखिए कितने सारे फ्लावर हैं, क्योंकि इसमें मैंने पिंचिंग की है, तो ये ढेर सारे फ्लावर इसमें बन गए हैं। तो लेट से मैंने लगाया है इसलिए पिंचिंग नहीं कर पाई, क्योंकि फ्लावरिंग नहीं हो पाता। तो अगर आप जुलाई के बाद लगा रहे हैं कभी भी, तो उसको पिंचिंग करते रहिएगा, तो बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे और उसमें बहुत सारे फ्लावर भी होते रहेंगे। तो दोस्तों पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है गुलदाउदी के प्लांट में, जब हम जुलाई के बाद कभी भी लगाते हैं, तो थोड़े प्लांट ग्रो हो जाता है, थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, तो उसको पिंचिंग करते रहिए, ताकि हमारा प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके। तो इस तरह हम गुलदाउदी प्लांट की केयर कर सकते हैं। देखिए ये सारे प्लांट्स मेरे बहुत छोटे छोटे से प्लांट हैं, ये मैंने लाए थे नर्सरी से, तो इस तरह मैंने इसमें सभी में लगा दिए, लेकिन सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है देखिए। और ये मैंने कटिंग से अपने लगाए थे पिछले साल की, और ये जितने भी हैं सभी मैंने, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, लेकिन लेट लगाया था दोस्तों किसी कारणवश। तो इस तरह हम इसकी केयर कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, और पानी जब पूरे गमले की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी ऐड कीजिए, नहीं तो ये हमारा प्लांट गल जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, टेक केयर।